ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोक आस्था के महापर्व छठ में कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में अब छठ पर्व को लेकर बाजारों में रौनक दिखने लगी है। लोक आस्था के महापर्व छठ में मिट्टी के चूल्हे का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि छठ पूजा में छठ महापर्व का प्रसाद मिट्टी के नए चूल्हे पर ही तैयार किया जाता है। ऐसे में पटना की सड़कों पर छठ महापर्व को लेकर मिट्टी का चूल्हा बनाना शुरू हो गया है। पटना के वीरचंद पटेल पथ पर लगभग 30 से 40 की संख्या में मुस्लिम महिलाएं महापर्व छठ के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं। छठ नज़दीक आने के साथ ही महिलाएं अब चूल्हा तैयार करने के काम में लग गई हैं। मिट्टी का चूल्हा निर्माण करने वाली महिलाओं को इस बार अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है। लोक आस्था के महापर्व छठ में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में अब राजधानी पटना के बाजारों में छठ पर्व को लेकर के हलचल तेज है और बाजारों में जो छठ पूजा की सामग्री होती है, जो उपयोग करने वाली चीज़ें होती हैं, उसकी बिक्री शुरू हो गई है। मैं इस वक्त वीरचंद पटेल पथ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे एक सुंदर और ख़ास तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। चारों तरफ जिधर आपकी नज़र जाएगी उधर आपको मिट्टी के चूल्हे नज़र आ रहे होंगे और ये मिट्टी के चूल्हे छठ पर्व को लेकर के बनाए जा रहे हैं। पूरे वीरचंद पटेल पथ पर चारों तरफ कई जो लोग हैं वो मिट्टी के चूल्हे यहाँ पर बनाते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि मुस्लिम परिवार के लोग हैं। यहाँ पे ये जो मिट्टी के चूल्हे हैं इसकी खरीदारी करके ले जाते हैं और काफ़ी शुद्ध भी माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो इसको बनाया जाता है तो यहाँ पर भी साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। आप चारों तरफ देख सकते हैं जहाँ जहाँ मिट्टी के चूल्हे बनकर ये तैयार हो रखे हैं, यहाँ पर बनाकर इनको सूखने के लिए छोड़ दिया गया है और उस तरफ कई जो चूल्हे हैं वो तैयार हैं। महिला हैं जो कि लगातार यहाँ पर चूल्हे का निर्माण कर रही हैं। हम इनसे बातचीत भी कर लेते हैं कि कब से बना रही हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सनीजा खातून है। अच्छा, कब से ये बन रहा है चूल्हा? दशहरा के पहले से बना रहे हैं। दशहरा के पहले से? अच्छा, ये दो तरह का चूल्हा दिख रहा है, एक छोटा है बड़ा है, क्या अंतर है दोनों में? दोनों में क्या अंतर है ना कि इसमें है कि इसमें यानी प्रसादी उसादी बनेगा और उसमें बड़ा चूल्हा है, उसमें बड़ा खीर वूर बनेगा, भारी वजन चढ़ेगा, इसलिए दो तरह का चूल्हा। अच्छा, ये थोड़ा हल्का है और वो काफी भारी हो जाता है। अच्छा, देखते हैं कि लोग सब बहुत आता है खरीदने, अलग अलग जगह से आता है, कहाँ कहाँ से आता है? बहुत जगह से आती है, बहुत जगह से आती है। छठ पर्व में तो काफी साफ सफाई रखा जाता है, तो यहाँ पे आप लोग कैसे रख पाती हैं साफ सफाई? साफ सुथरा से बनाते हैं, ये चूल्हा तो ये है कि बहुत अच्छा से बनाते हैं। ये छठ माई का चूल्हा है, पूजा का चूल्हा है, ये नेम तेम से बनता है, हम जानते हैं कि बहुत महान पर्व है। और यहाँ पे और भी लोग हैं, साफ सफाई का आप भी ध्यान रखते हैं, देखते हैं? सवेरे उठ के हम झाड़ू मारते हैं। अच्छा, सवेरे उठ के झाड़ू मारते हैं, उसके बाद चूल्हा बनाने में हाथ लगाते हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ इस्लाम, मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम, तो आप कब से यहाँ पे बनता है आपका? यहाँ पे तो 20-25 साल से बन रहा है। इससे पहले मेरा पापा बनाते थे, वो गुजर गए हैं, अब ये बना रही है। छठ होते हैं जैसे आर लोग हो गया, जैसे कि मोहल्ला में दो चार गो हैं वो मुस्लिम परिवार लोग छठ। आपके घर में कोई? आपकी मेरी माँ करती थी आज से 25 साल पहले, वो अब नहीं है। अच्छा, माँ आपकी थी तो वो करती थी? हाँ, वो करती थी। इस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल है वो पेश किया जा रहा है और यहाँ पे महिलाएं जो हैं मुस्लिम परिवार की महिलाएं या पुरुष चारों तरफ यहाँ पे जो मिट्टी के चूल्हे हैं वो बना रहे हैं और साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। पिछली बार विदेश से भी आए थे लोग यहाँ पर लेने के लिए, तो इस बार भी हो सकता है कि लोग बाहर से यहाँ पर मिट्टी के चूल्हे लेने के लिए आए और काफ़ी शुद्ध मिट्टी के चूल्हों को माना जाता है और इसीलिए इस पे जो पूजा का सामान है, खरना के दिन जो प्रसाद बनाया जाता है तो वो मिट्टी के चूल्हों पर ही बनाया जाता है। इसके अलावा जो संध्या अर्घ हो गया या फिर सुबह वाला जो अर्घ होता है उसके लिए जो प्रसाद बनता है तो वो इसी पे बनता है, तो इसलिए इसको काफ़ी शुद्ध भी माना जाता है। और साफ सफाई का ध्यान रखते हुए वीरचंद पटेल पथ पर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर मिट्टी के चूल्हों का निर्माण कर रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ निषेध, जी मीडिया पटना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए जी बिहार झारखंड।